जय हिंद, नमस्कार। मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो किड में। आज का वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए है, क्योंकि काफी सारे लड़के, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि SSC GD में जितनी वैकेंसी आपको ऑफर की जाती है उनमें से सबसे अच्छी वैकेंसी कौन सी है लड़कियों के लिए, क्योंकि वो दोनों का था, लड़का और लड़कों मिक्स का, इसीलिए काफी कमेंट थे लड़कियों के लिए, सर आपकी तरफ से कौन सी वैकेंसी सबसे बेस्ट है जो कि हमको फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए या उसी फोर्स की हमको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, एसएससी जीडी के द्वारा आपको कितनी वैकेंसी ऑफर होती है, एक तो एसएसएफ की, एक आपकी होती है सीआईएसएफ की, एक सीआरपीएफ की, एक असम राइफल की, एसएसबी की, एनआईए की, बीएसएफ की और ये एसएसबी, ठीक है, आपको लगभग 6 वैकेंसी और एक एसएसएफ मिला के 7 वैकेंसी ऑफर होती है, ठीक है। इनमें से सबसे अगर अच्छी वैकेंसी कौन सी, अगर आप इनमें से चूज करना चाहोगे कि वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी कौन सी है लड़कियों के लिए, देखो लड़कियों को लेकर बेस्ट वैकेंसी इसलिए बता रहा हूं, कई लड़कियों ने बोला कि सर फोर्स की नौकरी तो सारी अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सारी नौकरियां अच्छी है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें आपको परिवार के साथ रहने की थोड़ी सी ज्यादा समय मिल जाता है, ज्यादा छूट मिल जाती है, और क्योंकि एक लड़की को दो परिवारों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है लड़के की बजाय, क्योंकि उसके मायके से भी उसके रिलेशन छूटते नहीं है, परिवार फिर एक जगह और जुड़ जाता है, फिर उसको साल में छुट्टियां तो बराबर मिलती है, जितनी लड़कों को मिलती है उतनी लड़कियों को मिलता है, हाँ प्रेगनेंसी के दौरान जो छुट्टियां एक्स्ट्रा मिलती है वो बात अलग है, बाकी तो नॉर्मल वही छुट्टियां मिलती है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी फोर्स में जाते हो तो उसमें क्या परिवार रखने की सुविधा आपको मिल जाती है, तो ये काफी अच्छा रहता है कि आपको वहां क्वार्टर की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे बीएसएफ, इनमें से मान लो जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ में क्या होता है, लड़कियों को फैमिली रखने की सुविधा थोड़ी सी कम मिलती है, बहुत कम, बीएसएफ में लड़कियों क्या, लड़कों हो चाहे लड़कियों, दोनों को भी फैमिली रखने की सुविधा कम होती है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में ड्यूटी कर रही होती है तो वहां पर ऑब्वियसली संसाधनों की कमी रहती है बॉर्डर एरिया में, ठीक है, ड्यूटी हार्ड रहती है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो वैकेंसियां हैं वो है एसएसएफ, लड़कियों के लिए सबसे एक नंबर पर एसएसएफ सिक्योरिटेड सिक्योरिटी फोर्स, यानी इनकी जो ड्यूटी होती है मैक्सिमम दिल्ली के ही अंदर होती है, यानी ज्यादातर टाइम इन्हें लाइफ टाइम ये ज्यादातर कहां ड्यूटी करेंगे, दिल्ली में, क्योंकि सचिवालयों की सुरक्षा देखती है, तो अगर इसमें आपको सीट ऑफर होती है तो आप फर्स्ट चॉइस इसको दे सकते हैं, क्योंकि आपको ताउम्र अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा मिल जाती है इसमें, ठीक है, एक तो ये, एक इसमें रिस्क भी बहुत कम है और ड्यूटी भी बहुत आसान है। दूसरी इसके बाद में अगर हम देखें तो अगर एनआईए की वैकेंसी निकलती है तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ इसमें थोड़ा सा है परिवार रखने की सुविधा बाकी की बराबर नहीं मिलती, लेकिन इसकी ड्यूटी आसान है, ठीक है, अच्छी ड्यूटी है, आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, ठीक है। तीसरे नंबर पर सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो लड़कियों के लिए अच्छी इसलिए मानी जाती है कि सीआईएसएफ कहां ड्यूटी करती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ कहां ड्यूटी, या तो मेट्रो में या औद्योगिक शहरों पे या एयरपोर्ट पे, और ये ज्यादातर कहां होते हैं, शहरों के बीच में, शहरों के पास में होते हैं, तो आपको जब तक आप ड्यूटी करोगे लगभग लगभग मान के चलिए अगर आप 20 साल सर्विस करते हैं तो उसमें से 15 से 16 साल आपको परिवार साथ रखने की छूट मिल जाती है। परिवार में स्पेशली होता यह कि लड़कियों के ऊपर उनके बच्चे बच्चे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको वो फोर्स ज्यादा लेना चाहिए कि कल को जब उनके बच्चे बच्चे हो तो उनको उनसे दूर ना होना पड़े और उनकी एजुकेशन भी देख सके, उनका सब कुछ देख सके, ठीक है। एक लड़के की बजाय लड़कियों पे थोड़ी सी ये जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, वास्तविकता इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी कल को शादी होती है, क्योंकि आप ये तो है नहीं फोर्स के मेंबर होगे तो शादी नहीं करोगे, शादी होगी परिवार में बच्चे भी होंगे तो फिर वो किसी और के पास में छोड़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, जीवन कठिन होता है, उसकी बजाय बोल रहा हूं अगर आप तैयारी करें, थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करें और अच्छी फोर्स ले लीजिए, सीआईएसएफ बहुत अच्छी फोर्स है। इसके बाद में आप ले सकते हैं एसएसबी, एसएसबी में क्योंकि ड्यूटी आसान होती है, भारत नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी करती है और अच्छी ड्यूटी होती है बाकी फोर्स की बजाय, और परिवार रखने की सुविधाएं इसमें सबसे ज्यादा मिल जाती है। इसके बाद में आपको लेना है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में आपको मान के चलिए कि ये आलू की तरह मिक्स हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा हार्ड भी फील होगा और थोड़ा सा इजी भी फील होगा, कई बार आपकी ऐसी जगह ड्यूटी लगेगी जहां बिल्कुल मजे रहेंगे, कई बार ऐसी जगह भी ड्यूटी लगेगी जहां बहुत मुश्किल रहेगी, समझ गए, ये इसमें दोनों चीज चलेगी, यानी 20 साल की सर्विस में 10 साल आप मजे कर सकते हो, 10 साल इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किलात हो सकती है,
ठीक है, ये चीज इसमें पक्की है। सीआरपीएफ अगर आपको मिली या सीआरपीएफ में आप ज्वाइन किए, तो सीआरपीएफ में कुछ लोग खुश भी रहते हैं, कुछ लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं। कारण ये है कि इसमें जब हर 3-4 साल बाद में आपकी सिटी और शहर और बटालियन चेंज हो जाती है, तो कई जगह लोकेशन ऐसी जगह ड्यूटी मिलती है जहां बिल्कुल आनंद से जिंदगी चलती है, कई बार हार्ड एरिया में मिल जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ के बात को। उसके बाद में आप आईटीबीपी ले सकते हैं, बीएसएफ ले सकते हैं और असम राइफल ले सकते हैं। असम राइफल में भी काफी प्रॉब्लम रहती है, पहले बता दूं मैं, जो भी लड़कियां जाती हैं उनसे एक बार बात कर लेना, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आप में से कई ये भी होंगे, पहली बात तो आपने ये डिसीजन लिया कि हम बेल्ट की नौकरी करेंगे और उसमें से फौज की, तो ये भी एक बहादुरी वाला काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको उस बात को बिल्कुल भी ये नहीं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप तैयारी करें, थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करिए। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इसका फायदा होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी किए फिर किसी ऐसी फोर्स में लग गए जिंदगी भर रो रहे हो वहां बैठ के, इसीलिए आपको मेरी कोशिश ये है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपका कुछ ना कुछ भला कर सकूं। ठीक है, बात यह है, आप जब मैंने जो चीजें बताई है उन पे फोकस करोगे तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा, क्योंकि जिंदगी 1-2 साल काटनी नहीं है, 20-25-30 साल की आपको नौकरी करनी है, तो वो जहां आप नौकरी करते हैं वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, उसका एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल में वो लड़कियां रह जाती है जिनको कोई तकलीफ नहीं है। और फिर देखो, एक है कि अगर हम गरीब स्थिति से गुजर रहे हैं तो हम रोजगार के माध्यम से भी फोर्स को देखते हैं। ठीक है, तो उस माध्यम से तो फिर अपने को कोई भी मिले अपनी वो नौकरी तो करनी ही करनी है, अपना जीवन तो सफल बनाना ही बनाना है, क्योंकि बाहर की जो बेरोजगारी है उससे तो हमको बचना ही बचना है। लेकिन उसी में अगर हमको अच्छा मिल जाए तो इसमें हर्ज क्या है, आप पढ़ तो रहे, थोड़ा सा ध्यान से और पढ़िए और 2-4 नंबर ऊपर लाइए, तो वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस आपको मिले तो आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाए। उस दिन आप बोलो कि हाँ सर ने बताया था, तो आज मैंने फर्स्ट चॉइस ये दी है और इसकी वजह से मेरे को ये फायदा हो गया, बाकी लड़कियों से जब बात करोगे तब मेरी बात याद आएगी कि हाँ सर ने सही बताया था, भाई अपनी ड्यूटी तो ऐसी है, बाकी फोर्स में ड्यूटी ऐसी हो रही है। ठीक है, असम राइफल में काफी हार्ड ड्यूटी होती है लड़कियों की, थोड़ी सी काफी मुश्किल होती है, जितनी लड़कियां मेरी अकेडमी से भी लग रखी है, मेरे पुराने स्टूडेंट से मेरी बात होती है तो वो बताती है कि सर यहाँ ऐसी ऐसी समस्या आती है, इसीलिए मैं तो खुल के बोलता हूँ, खुल कर ही आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में आईटीबीपी में भी सेम ही है, लड़कियों के लिए थोड़ी मुश्किलात होती है, हाँ ड्यूटी करना ही पड़ता है क्योंकि जीवन चलाना है और ड्यूटी करनी है, देश रक्षा में आप जा रहे हैं तो पहली तो प्राउड की बात है ही है, लेकिन हाँ मुश्किल थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद में बीएसएफ में आप जा सकते हैं, बीएसएफ भी सीआरपीएफ की तरह आपको कुछ समय के लिए अच्छी ड्यूटी मिल जाएगी, कुछ समय के लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा लेकिन हाँ अच्छी चल जाती है, समझ गए बात को। ओवरऑल तो सारी फोर्सेस सब अच्छी है, रोजगार के माध्यम से भी सब अच्छी है और देशभक्ति के माध्यम से तो सब सर्वोपरि है। आपके आप लड़की होकर फोर्स में जाने का डिसाइड करती है, यही सबसे बड़ी बात है, कमाल की बात है, ये बड़ी नहीं बहुत कमाल की बात है, आप लड़की होकर फोर्स में जाने की हिम्मत रखती है, इससे बढ़कर तो और कोई बात ही नहीं हो सकती, समझ गए। तो उनमें से ही आप वन ऑफ द बेस्ट में जाइए ताकि आपको आगे का जीवन अच्छा हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।